सब्सक्राइब कीजिए, चलो कुछ सीखते हैं यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटी के आइकन को आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चलो कुछ सीखते हैं। मैं दोस्तों आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप उसमें कस्टम थंबल्स भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाते हैं। ब्राउजर जाने के बाद आपको अपना यूट्यूब पेज ओपन करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यूट्यूब पेज अपना ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको जाना है अपने चैनल्स में। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्रिएटर स्टूडियो, इस पर क्लिक करना है। क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चैनल्स, चैनल्स पर आपको क्लिक करना है। चैनल्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पे चैनल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर कंट्री कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज के द्वारा मुझे चाहिए वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जिस ईमेल आईडी पे आपका बना हुआ है यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे पहुंच चुका होगा, तो आप उसे देख लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, योर यूट्यूब चैनल अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड। दोस्तों हमारा यहाँ पे यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो चुका है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा चैनल वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं वीडियो मैनेजर में। वीडियो मैनेजर पे क्लिक किया। वीडियो मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कस्टम थंबल्स का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ से कस्टम थंबल्स बना के लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।